अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ विकास फ्रॉम टेक्नोलॉजी अफेयर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हुआवे की एक न्यूली लाइन डिवाइस के बारे में, ऑनर 7S के बारे में। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर बात की जाए पाकिस्तान में क्यू मोबाइल के बंद हो जाने के बाद, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है हुआवे की तरफ से और ऑनर की तरफ से। यहाँ पर आपको दोनों कंपनीज जो है वो एक ही प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज देती हैं, मिडरेंज डिवाइसेज की अगर बात की जाए, और वहीं पर जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ भी जो है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी तगड़ा जो है मुकाबला कर रही हैं ऑनर और हुआवे की डिवाइसेज जो हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप बात करें मिडरेंज डिवाइसेज की, अपर मिडरेंज डिवाइसेज की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप बात करें मेट 10 लाइट की, यहाँ पर मिड रेंज डिवाइसेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको हुआवे P20 लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसर देखने को मिलता है हुआवे की तरफ से। इसके अलावा ऑनर 7X, Y9 2018, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डिवाइसेज देखने को मिल रही हैं ऑनर की तरफ से और हुआवे की तरफ से मिड रेंज सेक्शन में। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए क्यू मोबाइल की, तो वहाँ पर आपको लोअर मिड रेंज मोबाइल फोन या लोअर रेंज में जो है काफ़ी ज़्यादा वरायटी जो है देखने को मिलती थी, जिस हालात को अभी तक कोई भी दूसरी कंपनी फिलहाल तक तो पूरी नहीं कर सकी है। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ ऑनर की, तो ऑनर ने यहाँ पर पाकिस्तान में एक न्यूली लाइन डिवाइस के एक न्यू डिवाइस को जो है लॉन्च किया है पाकिस्तान में ऑनर 7S के नाम से, जहां पर काफ़ी हद तक जो है वो आपको एक लोअर प्राइस रेंज में जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया पैकेज मिलने वाला है। दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं ऑनर 7S की, तो इसको 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन की स्पेशलिटी की इस प्राइस रेंज में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5.45 इंच का 18:9 रेशो वाला HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी स्क्रीन क्वालिटी की, तो आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया जो है स्क्रीन देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में, तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपये की प्राइस में किसी भी दूसरी कंपनी की तरफ से 18:9 रेशो वाला जो है डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है फिलहाल तक। और दोस्तों, स्क्रीन क्वालिटी के बाद जो हमारे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है किसी भी मोबाइल फोन को खरीदते वक्त, वो आता है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का चिपसेट मिलेगा, मीडियाटेक का 6739 चिपसेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आपको 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर जो है मिलता है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इस चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस तो नहीं प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इस चिपसेट को जो है हम पहले भी देख चुके हैं, Z12 Pro में आपको यही चिपसेट मिल जाता था जो कि क्यू मोबाइल की तरफ से मोबाइल आता था। इसके अलावा भी काफ़ी मोबाइल्स में हमें जो है ये चिपसेट देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए इस मोबाइल फोन की प्राइस को 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में, इस चिपसेट से जो है वो आप कह लीजिए कि आप बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो कारकर्दगी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो चिपसेट है ये आपको डिसेंट परफॉर्मेंस जरूर प्रोवाइड कर देगा। गेमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप बात करें कैजुअल गेम्स की, तो सबवे सफर, टेंपल रन, कैडलैक और इस तरह की जो आपको रेगुलर कैंडी क्रश वगैरह इस तरह के जो गेम्स हैं, वहाँ पर ये चिपसेट जो है इन गेम्स को अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं बहुत ही हाई एंड गेमिंग की, तो यहाँ पर ये चिपसेट जो है वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जो कन्फिगर्ड GPU आता है वो आप कह लीजिए कि जो हाई एंड की ग्राफिकल गेम्स हैं उनको अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करता है, और वहाँ पर आपको जो है कुछ ना कुछ गेम्स में लैग देखने को काफ़ी हद तक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए डे टू डे परफॉर्मेंस की और रेगुलर यूजेज की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 GB रैम जो है प्रोवाइड की जा रही है ऑनर की तरफ से, जो कि अच्छी खासी रैम है अगर आप बात करते हैं नॉर्मल यूज़र के हवाले से। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही हार्डकोर यूज़र हैं और आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, तो ये मोबाइल फोन आपके लिए नहीं है। आपको इस प्राइस रेंज में और भी किसी दूसरी कंपनी की तरफ से भी 3 GB या 4 GB रैम वाला कोई मोबाइल फोन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी प्राइस को देखते हुए 2 GB के रैम के साथ इस अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, तो आपके लिए ये मोबाइल फोन काफ़ी अच्छी काफ़ी बढ़िया चॉइस जो है वो रहने वाला है। और दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी इंटरनल स्टोरेज की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है ऑनर की तरफ से। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये मोबाइल फोन जो है प्रॉपर डुअल सिम मोबाइल फोन के तौर पर मिलेगा, और आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा के अपनी स्टोरेज को जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टोरेज यहाँ पर आपके लिए कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। स्टोरेज आपको हालांकि बिल्ट इन 16 GB मिलती है, लेकिन आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा के अपनी स्टोरेज को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अप टू 256 GB तक ये मोबाइल फोन जो है मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए कैमराज की, तो ऑनर 7S में आपको 13 MP का जो है वो कैमरा दिया गया है रियर पैनल में, और 5 MP का आपको मिलेगा कैमरा इसके फ्रंट पर। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको फ्रंट पर भी जो है वो सेल्फी फ्लैश मिल जाता है, और बैक पर भी आपको सेल्फी फ्लैश मिल जाता है। और सिंगल ही कैमरा जो है वो आपको मिलेगा यहां पर इसके बैक पर, और सिंगल ही कैमरा मिलेगा आपको यहां पर इसके फ्रंट साइड पर। F2.2 का अपर्चर है यहाँ पर, तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर जो है वो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस रहने वाला है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो आप डे लाइट में या अच्छी ऐसी रोशनी के वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। और नाइट में आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपर्चर बहुत बढ़िया नहीं है, सिंगल कैमरा है, बुके इफेक्ट और इस तरह के जो दूसरे तीसरे फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ऑटो फोकस और LED फ्लैश आपको मिल जाता है दोनों ही साइड पर, फ्रंट पर भी आपको जो है LED फ्लैश मिल जाएगा और बैक साइड पर भी। और दोस्तों, अगर बैटरी की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 3020 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है, जो कि डिसेंट बैटरी है, बहुत ज़्यादा आप आउटस्टैंडिंग बैटरी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3020 mAh बुरी नहीं है। यहाँ पर आपको एक दिन का अच्छा खासा जो है बैटरी बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा।
और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आनर बोलता है कि हमने इसके फ्रंट पर काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया किस्म का ईयर पीस लगाया है। अगर बात की जाए रेगुलर कॉल्स की, व्हाट्सएप कॉल्स की, या कोई भी ऐसी साउंड जो कि आप इसके फ्रंट के ईयर पीस से सुनेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा जो है वो आनर बोलता है। दोस्तों चेक जरूर करेंगे यहाँ पर किस किस्म का जो है हमें फ्रंट में स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन आनर ने काफ़ी ज़्यादा जो है स्पीकर को अप्रिशिएट किया है इस मोबाइल फ़ोन में इसको यूज़ करके। तो एट दी एंड दोस्तों मैं इस मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बेकार है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी काफ़ी बढ़िया लुक जो है वो देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन में। बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा हाई एंड की गेमिंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हाई एंड के टास्क नहीं करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। कैमरा के हवाले से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न नहीं होते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा गुड लुकिंग मोबाइल फ़ोन चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा गुड लुकिंग मोबाइल फ़ोन मिलता है, कैमरा की आपको यहाँ पर डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अगर बात की जाए गेमिंग की परफॉर्मेंस के हवाले से भी या डे टू डे टास्क के हवाले से भी, तो यहाँ पर भी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस तो मिल जाती है, बहुत हाई एंड की परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं और आपको एक अच्छा गुड लुकिंग मोबाइल फोन चाहिए तो ये मोबाइल फोन आपके लिए काफ़ी अच्छी काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी, और आपको यहाँ पर जो है वो ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चना पड़ते हैं इस मोबाइल फोन के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आई होगी पसंद। दोस्तों अगर ये वीडियो रही है किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई भी सवाल और कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।